हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं कर रहा हूँ एक हमसे सोलो राइड, क्योंकि आज कोई भी नहीं है मेरे साथ। मैं हूँ चला जाऊँगा, हो सकता है कि मैं राहुल को अपने साथ ले जाऊँ। तो मैं यार राहुल जा रहे हैं फिलहाल बस ऐसे ही घूमने के लिए, क्योंकि आज तो संडे सुबह से गए नहीं है, सुबह बारिश आ रही थी और उठा भी नहीं गया। मेरे से अलार्म बजा था पर सुनाई नहीं दिया। तो अभी कुछ टाइम हो रहे हैं 7:50 के लगभग। तो अभी मैं यार राहुल जाएंगे पंजगांव ढाबा तक, थोड़ा बहुत अपना खा पी के और अपने घर पे वापस। ये रहेगा कि हाँ भाई, आज का दिन संडे ख़राब नहीं गया, और जो बाइक में कल यार काम करवाया था संडे के लिए, उसका तसल्ली पड़ जाएगी मेरे को कि हाँ भाई चलो ठीक है, काम करवाया तो अभी खड़ी नहीं है, तो अब मैं इसको लेकर जा सकता हूँ। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल हम राइड पे, राहुल आने वाला है तो अब हम निकलते हैं। एंड उसके बाद आपको पंजगांव ढाबा पहुँच के दिखाते हैं, और आज कुछ एक यूनिक करेंगे दोस्तों। फिलहाल आज यूनिक होगा एक, तो आप वीडियो को देखना, बहुत मज़ा आएगा। अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर करना। तो फिलहाल मैं और राहुल निकल चुके हैं, और टाइम हो रहा है 8:30, और फिर मेरे को भी कंपनी मिल गई, तो फिर इसलिए फिर मैं और राहुल दोनों साथ ही निकल आए। मगर चल तो अगर घूम लेते हैं, तो अब जाते हैं वहाँ पर, करते हैं ब्रेकफास्ट और आपको आज एक यूनिक चीज़ दिखाएंगे। तो वीडियो में बनी रहना और शेयर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो मैं आप दोबारा बोल रहा हूँ, आपको शेयर जरूर करना गाइस अगर ये वीडियो सच में ही आपको अच्छी लगे तो। और उनके लिए भी एक सरप्राइज़ प्लान किया है मैंने, तो वो सिर्फ आपसे पॉसिबल हो पाएगा अगर आप इतनी ज़्यादा इसको शेयर कर पाओगे, उसके हिसाब से होगा वो भी। तो भाइयों फ़िलहाल पहुंच चुके हैं हम पंचगांव ढाबा, और ये माहौल है, और ये बैठा है राहुल। तो राहुल ने अपने लिए किया है, कौन सा पराठा ऑर्डर किया है? आलू का और पनीर का। आलू और पनीर दो पराठे, और दो अपनी कटिंग आ रही है चाय। जो चाय आज मेन है उस पर आप फोकस करना, उसके ऊपर सारा मेन कंटेंट है। तो देखना आप आगे, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल आ चुका है अपना पराठे। तो अभी मैंने तो ट्राई कर रखे हैं, बट अब राहुल से पूछते हैं कि कौन सा अच्छा लगा उसे खाने में, पनीर का या फिर आलू प्याज का। तो राहुल बता भाई कौन सा अच्छा लगा? बेस्ट तो पनीर ही लगा वैसे। हाँ भाई, पनीर राहुल बोल रहा है कि सबसे बेस्ट लगा, और आलू प्याज कैसा है? आलू प्याज में ज़्यादा मिर्च है। तो भाई फ़िलहाल अपनी आ चुकी है कटिंग, ये देखो आप ये कटिंग। तो अभी हम इसको करेंगे टेस्ट और आपको बताएंगे कि ये जो कटिंग है ये मतलब कि कैसी है, पीने में कैसी है, जो अपने बाहर चाय पीते देसी वो वैसी है, या फिर अंदर के कुछ अलग है, इनमें डिफरेंस कुछ अलग होता है। तो जो इसकी कॉस्ट है ना वो 3500 रुपये प्लस GST है। और अभी राहुल और मैं इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये चाय भाई 3500 रुपये की चाय वर्थ है या नहीं है। राहुल भाई चल टेस्ट कर, मेरे को बता चाय की, 2-3 सिप ले और बता। तो राहुल बोल रहा है घर वाला टेस्ट है, बट मैं बताऊँ तो एक्चुअली घर वाला टेस्ट नहीं है। थोड़े से इसमें जो अपने यार अदरक वगैरह हो गया ना, अदरक और लौंग का थोड़ा ज़्यादा टेस्टर आ रहा है। अदरक थोड़ी ज़्यादा है, कड़ाके ये थोड़ी कम पीता चाय, इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा। अभी हम बाहर चाय पियेंगे और किसी हाईवे पर चलते हुए किसी खुक्के पर रुकेंगे, और वहाँ पर दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर चाय कितने की मिलती है और उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, इसका टेस्ट है अच्छा, बट एक्चुअली 3500 रुपये वर्थ नहीं है। मैं नहीं मानता कि वर्थ है इसमें 3500 रुपये। आप कुछ बोलना है? मुझे तो घर वाला लगा बिल्कुल ही। भाई तुम बड़े आदमी हो, तुम अच्छी चाय बनाते हो, ये तुम 3500 रुपये की चाय पी रहे हो, ये देखो। और कुल्हड़ में 55 रुपये की मिलती है। तो अभी आपको हम बाहर दिखाएंगे, तो बाहर पियेंगे तो क्या है उसका क्या नहीं है, तो आप वो देखना। और अभी हम पराठा फिनिश करते हैं, बाहर चलते हैं, इंस्टाग्राम के लिए रील वगैरह बनाएंगे, उसके बाद निकलते हैं। तो भाई अभी फ़िलहाल आ चुका है अपना बिल, राहुल बोला था ना बिल्कुल घर जैसी चाय है। ये देखो इसकी चाय, आधी छोड़ कर बोल रहे हैं कि अब इसको ले जाओ, और बिल दिखा दूँ मैं आपको। कटिंग चाय 2 3500 रुपये की, एक है 270 रुपये, तंदूरी आलू प्याज पराठा 105 रुपये, और तंदूरी पनीर पराठा 145 रुपये, एक्स्ट्रा बटर के 150, तो टोटल हुए 321 प्लस 8 प्लस 8 रुपये इसके कुछ हैं GST चार्ज, तो 337 रुपये का बिल है। और आपने देख लिया अभी बिल और चाय, एंड आपको अभी बाहर जाकर दिखाते हैं बाहर की चाय कितने रुपये की और कैसी है। हाँ भाई पी को ना आप अपनी घर वाली चाय। और भाई पानी की बोतल का रेट है 55 रुपीज़, 55 रुपये की एक बोतल पानी की कैच की। तो भाई फिलहाल अब हम आ गए यहाँ पे,
एंड एक बार यहाँ की चाय और टेस्ट करते हैं भाई। देखो भाई ने भी यार झोपड़ी वगैरह बना रखी है, पंचगांव ढाबा बोल सकते हैं इसको भी हम छोटा, अगर आप देखोगे तो भाई एक बार यहाँ की चाय और टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं और यहाँ की चाय में कितना दम है और कैसी क्या चाय है, बैठने की सुविधा यहाँ पे भी है। तो यार मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अगर कोई भी राइडर्स अगर यहाँ से जाए तो अगर यहाँ पे ज़रूर रोक जाए, क्योंकि अगर चाय अच्छी लगी तो बोल रहा हूँ मैं, वैसे नहीं। तो भाई फ़िलहाल देखो अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, पूरा फरुख नगर से यू टर्न लेकर आया हूँ मैं, मैंने कोई भी साइड में से कट नहीं लिया। तो अगर आप सामने देखोगे तो भाई ये मानेसर की तरफ जो अपना निकलता है ना रास्ता, उसके लिए आ जाता है टूल टैक्स निकलने के लिए दिल्ली की तरफ, ये वो वाला कट है, उससे बिल्कुल पीछे ही एक जो होता है भाई चलाते हैं इसको दुकान। तो अब यहाँ की चाय टेस्ट करेंगे, के एम पी के बिल्कुल एक पास में बैठने की सुविधा भी अच्छी खासी, वो राहुल बैठा है, दो तरफ स्कूल है एंड ये भी इसको छोटा पंचगा ढाबा बोल सकते हैं। तो अब यहाँ की चाय टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसी क्या चाय है, और देखना आप वीडियो में बने रहना, वीडियो अच्छी लगे तो यार शेयर करना सभी के साथ ताकि इस भाई की भी कुछ हेल्प हो सके यार, मैं वो करूँगा। अब मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो भाई फ़िलहाल अपनी यहाँ पर भी ये चाय आ चुकी है, देख सकते हो आप प्योर दूध की चाय है, इसमें चाय पत्ती बिल्कुल थोड़ी सी है बट अच्छी है, चाय काफ़ी अच्छी बना रखी है भाई ने भी। एंड राहुल भाई चाय कैसी है, कैसी लगी, ये बेस्ट है वो बेस्ट है पंचगांव ढाबे की, ये बेस्ट है ज़्यादा पसंद है मीठा। अच्छा तो भाई राहुल को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है, तो अब ये चाय टेस्ट करता हूँ मैं भी यार। भाई चाय काफ़ी अच्छी है, तो वो तो चाय थी 3500 रुपये की एंड अब पूछते हैं भाई से कि ये चाय कितने रुपये की है एंड आपको पता बताते हैं। भाई कितने रुपए की चाय है, 10 रुपए की मात्र है, तो भाई सिर्फ मात्र 10 रुपए की चाय है और वो 35 रुपए की है। तो भाई मेरे को लगा वर्थ और काफ़ी अच्छी बना रखी है भाई ने, जिसमें अदरक इलायची भी घेर रखी है भाई ने, यहाँ तक कि इलायची की अलग ही मतलब कि वो आ रही है यार इसमें, टेस्ट आ रहा है, तो चाय काफ़ी अच्छी है। तो भाई इस भाई के लिए एक सरप्राइज़ करते हैं, किसी को बताना मत, तो सरप्राइज़ कुछ ऐसा रहेगा इस वीडियो में, ये शायद अब तक राहुल को भी नहीं पता था। तो सरप्राइज़ ये है, जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा एंड मेरी इनकम आनी स्टार्ट होगी और जो इस वीडियो से एक मंथ की इनकम आएगी उसमें से 50% मैं भाई को दूंगा। भाई के लिए वो सरप्राइज़ है, भाई को पता नहीं, बट जब भी आएगी मैं आपको दिखाऊँगा कि हाँ मैंने भाई को इसके लिए वो किया। तो यार कुछ ऐसे भी क्या करो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं यार फिलहाल टाइम पे, देख सकते हो आप हाईवे के बिल्कुल पास है जस्ट। एंड इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, ताकि जो भी इस हाईवे से निकले के एम पी से कुंडली मानेसर पलवल, मानेसर से उतरने से जस्ट पहले ही टूल टैक्स से थोड़ा सा जस्ट पहले ही, ज़्यादा नहीं 300-400 मीटर पहले ही भाई ने लेफ्ट में एक देख सकते हो ये एक भाई का छोटा सा कार्ट है, तो इसमें आना, चाय टेस्ट करना एंड मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको इसकी चाय कैसे लगी। तो गाइस ठीक है, अब हम इस व्लॉग को चाय के को यहीं पे करते हैं एंड अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। एंड जितना हो सके गाइस शेयर करना इसको, क्योंकि शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा इस भाई को फ़ायदा होगा, ये मेरे लिए नहीं भाई के लिए भी है। तो ये गाइस तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अब आपको जल्दी ही आगे यहाँ पर दोबारा आगे।